अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के अमान्य घोषित कर दिए गए और गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हारा हुआ घोषित कर दिया और बीजेपी को जीता हुआ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर के नतीजों खारिज करते हुए आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनावों में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के अमान्य घोषित कर दिए गए और गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हारा हुआ घोषित कर दिया और बीजेपी को जीता हुआ बता दिया। उन्होंने कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जल्दी जल्दी सुनवाई करके पूरा प्रोसेस देखा, अपने पास बैलेट पेपर मंगाकर खुद देखे और रिजल्ट घोषित कर दिया। ये पहली बार भारतीय इतिहास में हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देश के अंदर जनतंत्र को कुचला जा रहा है, सभी संस्थान कुचले जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की यह बहुत बड़ी और पहली जीत है, ये बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से हम ये जीत छीन कर लाए हैं। बीजेपी ने ये चुनाव और वोट चोरी कर लिए थे, हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लड़ते रहे और आखिर में हमारी जीत हुई। ये बड़ी जीत है और बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, बीजेपी को एकता से हराया जा सकता है, ये इस चुनाव के नतीजों के साबित कर दिया। इंडिया गठबंधन के लोगों को बधाई देता हूँ, ये चंडीगढ़ के लोगों की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, इनमें से बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोट में से कितने वोट चोरी करेंगे, सोच कर भी रूह कांप उठती है। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर चंडीगढ़ चुनाव के वक्त सीसीटीवी में ये पकड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।